के बाद ऐसा लग रहा था कि सबके साथ इंसाफ होगा, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग का जब बजट का जब आंकड़े हमारे सामने आए तो 350 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक विभाग को दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत मौलाना आर्थिक विकास महामंडल भी आता है और आर्थिक विकास महामंडल के अंदर अलग अलग स्कीम अल्पसंख्यक विभाग अल्पसंख्यक समाज के लिए महाराष्ट्र के अंदर दी जाती है। उसमें स्कॉलरशिप की स्कीम जो विद्यार्थी अल्पसंख्यक समाज के है उनको 20% स्कॉलरशिप की भी स्कीम है और वो देने का प्रयत्न सरकार के माध्यम से अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से किया जाता है। लेकिन अभी इन 4 साल से अगर किसी ने 100 विद्यार्थी ने अगर वहां पर एप्लीकेशन किया कि हमको 20% आप स्कॉलरशिप दो, तो 100 में से सिर्फ 20 लोगों को 20% ही बच्चों को विद्यार्थियों को उसका अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन जो गौर गरीब है, जो गरीब हमारे विद्यार्थी है, उनको ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक विभाग से हमको पैसा मिल जाएगा, बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिल जाएंगे और हमारे बच्चे एजुकेशन ले लेगा और पढ़ लिख कर कुछ अच्छा व्यापार करेगा, कुछ पढ़ लिख कर सरकार की नौकरियां करेगा। लेकिन 20% अल्पसंख्यक विभाग के जो बच्चे हैं उनको मौलाना आर्थिक विकास महामंडल से सिर्फ 20% ही लोगों को मिलती है और 80% लोगों को नहीं मिलती है। मेरी सरकार से डिमांड है कि मौलाना आर्थिक विकास महामंडल के अंदर पैसा ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए ताकि वहां पर सिर्फ स्कॉलरशिप की स्कीम नहीं है बल्कि वहां पर लोन की भी स्कीम है, रोजगार लोन की भी स्कीम है। ऐसे उसके अंदर कुल मिला के कम से कम ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की मैं डिमांड करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे अर्थमंत्री महोदय जब यहाँ खड़े होते तो जरूर उर्दू शेर शायरी ज्यादा करते हैं, लेकिन उर्दू एकेडमी भी महाराष्ट्र के अंदर है, अल्पसंख्यक विभाग के अंदर आती है और वो उर्दू एकेडमी सिर्फ साल भर के अंदर जो बजट उनको मिलता है, आज तो उर्दू एकेडमी का कोई चेयरमैन भी नहीं है, आज वहां पर कोई बॉडी नहीं है और जो पैसा मिलता है सिर्फ गेट ऑफ इंडिया के ऊपर एक मुशायरा वो कर लेते हैं, इसका नाम है उर्दू एकेडमी। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र भर के अंदर उर्दू लाइब्रेरी कई हजारों की संख्या के अंदर उर्दू लाइब्रेरी है, लेकिन एक भी उर्दू लाइब्रेरी को उर्दू एकेडमी के माध्यम से एक भी पैसा नहीं दिया जाता, अनुदान नहीं दिया जाता और ना ही जो शेर और शायरी लिखते हैं, जो किताबें लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं उर्दू की, ना उनको कोई भी अवार्ड दिया जाता है, ना उनको कोई बख्शीश दी जाती है, ना उनको कोई मानधन दिया जाता है। मेरी सरकार से डिमांड है कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी उर्दू लाइब्रेरी है और जितने उर्दू वर्तमान पत्र, जितने अखबारात निकलते हैं या जितने शायर की जितनी बुक्स निकलती है, उस उर्दू एकेडमी के माध्यम से सिर्फ एक मुशायरा लेकर उर्दू एकेडमी का नाम नहीं बल्कि इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने उसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा बजट को बढ़ाना चाहिए और पैसा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक विभाग के अंदर माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना की गई और माइनॉरिटी कमिश्नर के कमीशन के अंदर सरकार 8 करोड़ रुपया सालाना देती है और उसके अंदर अलग अलग स्कीम वो अल्पसंख्यक आयोग चलाता है और विशेष वो जो स्कीम जो चलाते हैं, विशेष मुस्लिम समाज के बच्चों को, अल्पसंख्यक के बच्चों को पुलिस ट्रेनिंग के लिए भी वो विशेष योजना चलाते हैं, लेकिन वो योजना का लाभ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं मिल पाता, वो योजना का लाभ हमारे विद्यार्थियों को नहीं मिल सकता जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पुलिस की। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अल्पसंख्यक विभाग सिर्फ मंत्रालय तक, सिर्फ उसका नाम मंत्रालय के अंदर 7वें फ्लोर के ऊपर उसका ऑफिस है, यही हमको पता है। आप देखिए कि अगर नगर विकास विभाग है तो भाई कहता उसका एक नगर विकास एक कलेक्टर के अंदर एक अलग से एक डिपार्टमेंट है, अलग से एक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर बैठता है, उसके बाद विभागीय डिविजनल कमिश्नर के अंदर एक अलग से डिविजनल डिप्टी डिविजनल कमिश्नर बैठता है। इसी तरीके से अगर नगर पालिका महानगर पालिका के अंदर अधिकारी बैठते, यानी जो
नगर विकास डिपार्टमेंट की जो योजना रहती वो गांव तक पहुंचाने के लिए, लेकिन नगर अल्पसंख्या विभाग या कमीशन के कोई भी व्यक्ति तालुका स्तर के ऊपर कोई भी अधिकारी की आज तक पोस्ट सैंक्शन नहीं की गई और उसको निमणूक करना चाहिए, या जिला लेवल के ऊपर डिप्टी कलेक्टर, कम से कम वहां पर एक डिप्टी कलेक्टर ये अल्पसंख्यक विभाग की स्कीम वहां तक चलाए उसके लिए होना चाहिए। इस तरीके का जब जाकर लोगों को उसका फायदा और लाभ मिलने वाला है, डायरेक्ट ऑफिस होना चाहिए। ये मैं आपसे डिमांड करता हूं कि ये पोस्ट सैंक्शन करने के लिए भी पैसा मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से महाराष्ट्र राज्य के अंदर उर्दू स्कूलों को मूलभूत सुविधा के लिए 2 लाख रुपए सरकार देती थी, अभी ये 2 सालों से वो भी बंद कर दिया गया है। और अध्यक्ष महोदय, वो बंद कर दिया गया, मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि जितनी महाराष्ट्र के अंदर उर्दू माध्यमिक की जितनी स्कूलें हैं उस स्कूलों की मूलभूत सुविधा के लिए जो 2 लाख दिए जाते, जो बंद कर दिया गया, कम से कम 5 लाख रुपये उनकी मूलभूत सुविधा के लिए दे, ताकि वहाँ के गोर गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं वो प्राइमरी स्कूलों के अंदर या हाई स्कूलों के अंदर, ताकि उनके अंदर उसका लाभ मिल सके, उनको ड्रेस वगैरह मिल सके और उनको जो साहित्य मिलना चाहिए वो मिल सके। अध्यक्ष महोदय, ये सब कुल स्कीम मिलाकर, एक स्कीम की मैंने विनंती इससे पहले भी सभागृह के अंदर किया कि तेलंगाना राज्य के अंदर वहां की सरकार अल्पसंख्या समाज की लड़कियों के लिए जो दारिद्र्य रेखा खाली जिंदगी जीते, गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी जीते हैं, ऐसे परिवार के लिए तेलंगाना हुकूमत, तेलंगाना सरकार वहां पर शादी मुबारक नाम की एक स्कीम चलाती है, जो वहां पर 51,000 रुपये जो लड़की की शादी अगर होती है तो वहां की सरकार 51,000 रुपया उनके अकाउंट के अंदर डालती है कि वो गरीब बच्चे की शादी हो जाए। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि शादी मुबारक स्कीम अल्पसंख्या समाज के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए, वो भी उसके अंदर बजट की तरतूद की जाए और उसको मंजूरी दी जाए, ये मैं विनती करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार 2014 के से पहले की जो लोकशाही अगाड़ी सरकार थी, एक क्रांतिकारी निर्णय लेने की लिया गया और मुस्लिम समाज को 5% शिक्षण में 5% सरकारी नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन मंजूर किया गया, आरक्षण दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 2014 के अंदर जब राज्य के अंदर सरकार का परिवर्तन हुआ, उस सरकार का परिवर्तन होने के साथ ही जो 6 महीना रह गया था, जो बिल इस सदन के अंदर पेश करना चाहिए था, मैंने कल भी ये बात कहा कि उस सदन के अंदर बिल मुस्लिम आरक्षण का पेश नहीं किया गया, वो लैप्स हो गया और विधि और न्याय का अभी तक उसके ऊपर अभी पढ़ाई आ रहा है, लेकिन सरकार का पैसा लगा है इसके अंदर। जब डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी का जब स्थापना की गई तो उनको भाई कहता पैसा देके उसका पूरे राज्य के अंदर क्या मुस्लिम समाज की परिस्थिति है उसका पूरा अहवाल मंगाया गया, लेकिन आज इंसाफ यहाँ के महाराष्ट्र के अल्पसंख्या मुस्लिम समाज के लोगों को इंसाफ ये सरकार से नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल साफ एक पिक्चर सामने आ रही है। अध्यक्ष महोदय, जो मुस्लिम आरक्षण का बिल है इसके अंदर बहुत श्रीमंत जो मुस्लिम समाज के अंदर उनको उसका लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन जो गोर गरीब है, जो गरीब जनता है, जो गरीब विद्यार्थी है, जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको इसका जरूर फायदा मिलने वाला था। मैं सरकार से विनंती करता हूं कि वो बिल, आप एक साल रह गया, आप देखिए दूसरे राज्यों के अंदर कुछ हालात आप बराबर नहीं दिख रहे हैं सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कम से कम सबका साथ सबका विकास की जो बात आप करते हो कम से कम उसको पूरा करने की आप जरूर कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग के अंदर, मैं मालेगांव शहर के, मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मालेगांव शहर के अंदर राजा नारू शंकर का एक किला है और उस किले का, वो जमीनी किला है सबसे खास बात है, और उस किले के अंदर कुछ ठहराविक लोगों का अतिक्रमण हो गया है, कब्जा कर लिए गए, यानी वहां पर सिर्फ एक ठहराविक लोग एक ही जा सकते हैं और वो किले के अंदर बाहर की जनता को, मालेगांव की जनता को जाने की एंट्री नहीं है और वो इतना हालत उसकी खराब हो गई है, और अलग पहाड़ के ऊपर किले दिखते हैं, डोंगर पे किले दिखते हैं, लेकिन जमीनी किले बहुत महाराष्ट्र के अंदर कम है, उसके अंदर मालेगांव शहर के अंदर एक किला है, उसके लिए पर्यटन विभाग से मेरी डिमांड है कि कम से कम 5 करोड़ रुपये अगर वो किले की आप अगर सुशोभीकरण कर दे देंगे और जो ठहराविक लोगों का कब्जा हटा के अगर आम जनता के लिए अगर आपने उसको खोल दिया तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग उसको देखने के लिए आएंगे, ये किला है, इसके लिए मैं डिमांड करता हूँ 5 करोड़ रुपया आप दो। अध्यक्ष महोदय,
दरेगांव शिवार, मालेगांव शहर के अंदर एक दरेगांव शिवार है गट नंबर 83 में, जो एक पहाड़ के ऊपर हिल स्टेशन बनाने का बाकायदा पाठ पुरावा किया गया। मैंने खुद मेरी आमदार निधि उसके अंदर दिया और 1,20,00,000 रुपये आमदार निधि दिया। राज्य के अंदर राज्य जो पर्यटन राज्य वन विभाग का जो कमेटी है उसकी मान्यता आ गई। जिला डिवीजन ने 1,00,00,000 रुपये दिया। 2,20,00,000 रुपये देने के बाद भी आज तक वहां पर वन विभाग के लोग न टेंडर प्रोसेस पूरी कर रहे हैं, न वर्क ऑर्डर दे रहे, न काम पूरा कर रहे हैं। मैं डिमांड करता हूं कि 2,20,00,000 रुपए जो वहां पर हमने दिया उसके अलावा सरकार ने उस पर्यटन के लिए पर्यटन उसको घोषित करना चाहिए और उसके लिए कम से कम 5,00,00,000 रुपये देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये मैं डिमांड करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव शहर के अंदर एक बीच में से एक मौसम नदी जाती है और उस मौसम नदी के बाजू में एक अच्छी बड़ी जगह पूरे बाजू के अंदर दोनों बाजू से है और अगर पर्यटन स्थल उसको डिक्लेयर करके वहां पर अगर विशेष निधि अगर सरकार ने दे दी तो मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर को एक सुशोभीकरण के लिए एक अच्छा वहां पर उद्देश्य है कि हमारा जो उद्देश्य है मालेगांव शहर की जनता को घूमने के लिए वो पर्यटन एक जगह बन जाएगी, लोग उसके अंदर घूम फिर सकते। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम शाह छप्परबंद जो विजय एंटी का दर्जा उनको था, सरकार ने कुछ उसके अंदर एक अमेंडमेंट कर दी उस डिपार्टमेंट ने, विभाग ने, सामाजिक न्याय और वो अनुसूचित जाति जमाती की, उसके अंदर ऐसा कर दिया पहले जिसके आगे एक शाह लगे था तो उसको विजय एंटी का कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाता था। उसके आगे अभी सरकार ने ऐसा कर दिया कि 3 पुरावे मांग रही है, शाह भी होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए या फकीर होना चाहिए। लेकिन वो तो मुस्लिम है, मेरी सरकार से विनती है कि कई दिन का प्रलंबित विषय है और वो एक बहुत गौर गरीब समाज इस महाराष्ट्र के अंदर है और उस गौर गरीब समाज के लिए मैंने बार बार विनती की बडोले साहब से कि आप बैठक बुला के उसका प्रश्न हल करो, लेकिन आज तक प्रश्न उसका हल नहीं हुआ कि एक कोई भी पुरावा या छप्परबंद दे देवे या फकीर दे देवे, एक कोई भी पुरावे के ऊपर उनको विजय एंटी का कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और उसी के साथ साथ वो समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि उसके लिए कम से कम अलग से योजना बनाने की जरूरत है। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ उसके ऊपर योजना बनाए। इसी तरीके से सफाई कामगार जो है मुस्लिम मेतर होते हैं जो बैग लगाते हैं, उनका भी ऐसे प्रश्न है कि 4 क्लास के जितने कर्मचारी होते हैं उस 4 क्लास के लोगों का भी कुछ अमेंडमेंट ऐसा आ गया कि उनको 4 क्लास के अंदर उनको वारा शक नहीं मिल रहा, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही जबकि वो SC के अंदर आते हैं। तो मेरी सरकार से डिमांड है कि उनका भी जो विषय प्रलंबित है उसको भी आप जल्दी जल्दी मंजूर करेंगे। ये सब डिमांड के साथ मैं एक आखिर में यही डिमांड करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर, मैंने इससे पहले भी कहा कि बहुत सारे कब्रिस्तान के इश्यूज हो रहे हैं, कब्रिस्तान की जमीन कम पड़ रही है दफन करने के लिए, तो मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि अल्पसंख्यक विभाग ने इसका पुडाकार लेते हुए उसके ऊपर जहां जहां ऐसे प्रश्न है, चाहे वो मुंबई का हो, मुमरा का हो, भिवंडी का हो, चाहे उल्लासनगर का हो, मालेगांव का हो, भिवंडी जहां जहां भी हो, उसका सभी प्रश्न पुडाकार लेते हुए अल्पसंख्यक विभाग ने उसका काम जो प्रश्न है वो भी हल होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं एक बात, मालेगांव शहर के अंदर अल्पसंख्यक एक मुद्दा मेरा छूट गया था, आखिरी है, मालेगांव शहर के अंदर माइनॉरिटी आईटीआई कॉलेज का 4 साल से फाइल चल रही है, कभी वो फाइल माइनॉरिटी विभाग ने उठाकर लिया कि हम इसको पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन कभी वो कौशल्य विकास में जाती, वहां से आती, कभी फाइनेंस में जाती है, कभी फाइनेंस वाले क्यूरी निकाल के 4 साल हो गया, आज फाइनेंस में है। मैं डिमांड करता हूं कि वो फाइल जो फाइनेंस के अंदर उसको निकाल के कैबिनेट की मंजूरी देके मालेगांव शहर के अंदर एक आईटीआई कॉलेज दे। और आखिर में इतना ही मैं विनती करता हूं कि जुल्म से कोई भी सरकार तो चल सकती है लेकिन नाइंसाफी बहुत दिन तक नहीं रह सकती। इसीलिए जितने मैंने प्रश्न मांडा उसको आप जरूर मेरी डिमांड को, मेरी मांगनी को मंजूर करेंगे, यही विनती करते हुए अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।